साहब अली खान साहब को मुझे बिल्कुल लाइव सुनने का मौका मिला और जो उन्होंने कुछ फिल्मों के डायलॉग्स बोले, वास्तव में फिल्मों में के जो डायलॉग्स होते हैं उनका कई पीढ़ियों तक असर रहता है। एक बार सुन लो अली भाई तो कई पीढ़ियों तक असर रहता है। हमारे पड़ोसी थे रामलाल जी, तो शोले फिल्म देखते थे अक्सर, जब टीवी चैनल पे आती थी तो देखते रहते थे। एक दिन पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ तीन लोग बैठे फिल्म देख रहे थे, तो बसंती और गब्बर वाला कोई सीन चल रहा था, तो वो रामलाल भाई जो थे वो बड़े ताव में आ गए और पत्नी के पीठ पे हाथ मारा, कहा बसंती अरे जरा दो चार ठुमके हमको भी दिखा। लेकिन वही बगल में उनका बच्चा बैठा था, उसको भी कुछ डायलॉग से याद आ गए, जैसे कहा बसंती दो चार ठुमके हमको भी दिखा। बच्चे बड़ी जो घुचिल्ला के बोला, बसंती मत नाचना इस कुत्ते के सामने। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, वास्तव में फिल्मों में और डायलॉगों का बड़ा असर रहता है, ऐसा होता है। अच्छा, हमारे एक और पड़ोसी थे, वो भी फिल्म देखते थे, शोले ही फिल्म देखते थे। उनकी पत्नी को जब पहले बच्चे का नंबर आया तो हॉस्पिटल में गई, अंदर भर्ती हो गई, तो वो नर्स से बोले कि जब कोई बच्चा जन्म ले तो हमें बताना कैसा है, क्या है, लड़की है कि लड़का है। अंदर नर्स चली गई, जब बच्चे का जन्म हुआ तो नर्स बाहर निकल के आई, तो भाई साहब दौड़े, कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने कहा कि लड़का हुआ। तो कहा ये बताओ आपकी पत्नी कोई फिल्म देखती थी, तो कहा हाँ, बोले कौन सी, बोले शोले, तो कहा तब तो वही दिक्कत है, कहीं क्या है, कहीं वो बच्चा माँ की जो है गर्दन पकड़ के पूछ रहा है, बोल कितने आदमी थे। हाँ, तो एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। देखिए ये दरोगा साहब हमारे बैठे, ये भी ताली बजा रहे हैं और शायरी सुन रहे हैं। बताओ पुलिस के ही दिन आ गई कि शायरी सुने, जो किसी की नहीं सुनती शायरी सुन रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे पप्पू भाई, हमको लग रहा है कि ये आप लोग किसी डर के मारे ताली वाली नहीं बजा रहे थे। कभी कभी भाई साहब डर के मारे कोई काम हो जाता। एक बार एक मुर्गी फार्म में, मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको दो दो तीन तीन अंडे देने। सुबह देखा भाई साहब सबके नीचे दो दो तीन तीन अंडे, एक के नीचे केवल एक ही अंडा था। उसने उसका गर्दन पकड़ा, कहा तूने एक अंडा क्यों दिया, तो उसने कहा हुजूर यह तो आपका डर है जो हमें एक अंडा दे दिए, हम तो मुर्गा है। तो एक बार तालियां बजा के माहौल बना दीजिए, अगर ये मुर्गी मुर्गा के चक्कर में पड़े रहेंगे फिरोज भाई तो आनंद नहीं आएगा। अच्छा फिरोज पप्पू साहब हमारे बीच में है, चेयरमैन साहब देखे कितने खूबसूरत हैं, अब पता नहीं राजनीति में कहां कूद गए, इनको तो अली खान साहब के साथ में जाना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, बहुत अच्छा मुशायरा कवि सम्मेलन चलेगा। आइए हास्य बैंक के एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करूं, भाई साहब बलरामपुरी हास्य बैंक के बड़े शायर हैं, लेकिन इनका एक लड़का है छोटा सा, पढ़ने जाता था तो ये पीछे से देखने जाते थे कि लड़कवा पढ़ता है कोई दूसरा भी काम करता। एक दिन लड़कवा कॉलेज के गेट पे पहुंचा, देखा सामने से एक लड़की निकल रही है। अब लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया, रफ्ता रफ्ता मेरी आंख जिससे लड़ी है, देखो आज मेरे सामने खड़ी है। पीछे साहब भाई खड़े थे, बोले बेटा जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी। तालियां तो अगली पंक्ति पे झूम के उठनी चाहिए, जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी है। बार जोरदार तालियां भाई साहब बलरामपुरी भाई। अस्सलाम वालेकुम, सदर मोहतरम की इजाजत से आइए एक मतलब दो तीन शेर मुलायजा फरमाए। छोड़ो अब ये खुश्क रोटी फिक्र बिरयानी करो, छोड़ो अब ये खुश्क रोटी फिक्र बिरयानी करो, क्या मियाँ बैठे हो घर में जाओ परधानी करो। क्या मियाँ बैठे हो घर में जाओ परधानी करो, और ताक पर इस्लाम रखो खूब मनमानी करो। ताक पर इस्लाम रखो खूब मनमानी करो, हर अमल अपना खिलाफ हुक्म रब्बानी करो। और लूटने में देश को हरगिज न घबराना कभी, जब कोई कुर्सी मिले जनता की कुर्बानी करो। बहुत अच्छे, वाह वाह साहब भाई क्या कहने, वाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और चार मिसरे और मुलायजा फरमाए कि दुआ के चार मिसरे हैं कि देर न होगी अपनी कोठी मुझको फिर बनवाने में, देर न होगी अपनी कोठी मुझको फिर बनवाने में, और मजा मिलेगा बैठ के मुझको मुर्ग मुसल्लम खाने में। और चार बीवियां दे दे मुझको चारों हो सरकारी टीचर, वाह, चार बीवियां दे दे मुझको चारों हो सरकारी टीचर, कमी न होगी जरा बराबर मौला तेरे खजाने में। बहुत अच्छे, वाह वाह साहब भाई क्या कहने, लेकिन अगर चार बीवियां आ जाए तो चौथी तनख्वाह नहीं उठा सकोगे।
बहुत अच्छी निजामत करें मेरे बोखल भाई, बहुत अच्छा। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि ये सोच कर बुढ़ापे में शादी रचाई है, ये सोच कर बुढ़ापे में शादी रचाई है, अल्लाह का खौफ है मुझे बंदों के डर नहीं। और सोलह की वो है और मैं 90 बरस का हूँ, सोलह की वो है और मैं 90 बरस का हूँ, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। क्या कहने साहब भाई, वाह। और चार मिसरे कि तबाही गांव में कितनी हुई प्रधान से पूछो, तबाही गांव में कितनी हुई प्रधान से पूछो, और सही तादाद लेनी हो तो कब्रस्तान से पूछो। कफन तो बेचता हूं मैं मगर मुर्दे नहीं गिनता, मरीज अच्छे हुए कितने मरे गुफरान से पूछो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। और चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि लगा दो हथकड़ी जितने हैं उल्फत बांटने वाले, लगा दो हथकड़ी जितने हैं उल्फत बांटने वाले, नजर आए न शहरों में शराफत बांटने वाले, अब पकड़ कर उनको फांसी दे दो ऐसा हुक्म आया है, अभी कुछ लोग जिंदा है मोहब्बत बांटने वाले। बहुत अच्छे भाई, सादत भाई, वाह वाह। पकड़ कर उनको फांसी दे दो ऐसा हुक्म आया है, अभी कुछ लोग जिंदा है मोहब्बत बांटने वाले। और चार मिसरे और देखिए कि कबले निकाह घर पे बुलाया गया मुझे, कबले निकाह घर पे बुलाया गया मुझे, दावत भी जम के खूब खिलाया गया मुझे, दावत भी जम के खूब खिलाया गया मुझे, और मैं कितना पारसा हूँ परखने के वास्ते, मैं कितना पारसा हूँ परखने के वास्ते, बिस्तर पे उनके साथ लिटाया गया मुझे। बहुत अच्छा, बहुत पुराने हकीम हो। यू तो कहो राम रहीम पकड़ गए, नंबर ही नहीं करा है। और चार मिसरे, एक बार तालियां जोरदार हो जाए, मगर मजा आ रहा था। बहुत अच्छे साहब भाई, वाह। खद्दर पहना है फकत मैंने कमाने के लिए, वाह। खद्दर पहना है फकत मैंने कमाने के लिए, आंसू जितने भी बहाए हैं दिखाने के लिए, आंसू जितने भी बहाए हैं दिखाने के लिए, और देश मिटता है मिटे घर मेरा बनता जाए, कौन इस अहद में जीता है जमाने के लिए, वाह वाह, कौन इस अहद में जीता है जमाने के लिए। और तस्मीन के चार मिसरे कि वो जिधर जाएंगे हरगिज ना उधर जाएंगे, वो जिधर जाएंगे हरगिज ना उधर जाएंगे, उनकी गाली से बहुत तंग है मर जाएंगे, और अहलिया मेरी बनाना ना उन्हें जन्नत में, अहलिया मेरी बनाना ना उन्हें जन्नत में, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। बहुत अच्छा है, वाह। और आइए एक छोटी सी नज़्म, मुलाहिजा फरमाए कि एक पान की दुकान पे खाने में पहुंचा पान, एक पान की दुकान पे खाने में पहुंचा पान, सज्जन खड़े थे एक वहां मिसल पहलवान, पहले उन्हें बड़े ही अदब से किया सलाम, बाद उसके पान वाले से मैंने किया कलाम, मेरे सलाम करने पर वो घूरने लगे, रहरे के पीक पान की वो थूकने लगे, आया ना कुछ समझ में तो बोले क्षमा करें, परिचय दे आप अपना और मुझ पर दया करें, कब और कहां पे आपसे पहले हुई थी भेंट, बतलाए वो मकाम महीना और उसकी डेट, थी अर्ज इससे कबल मिले थे न हम कभी, दर्शन हुआ है आपका इस जा अभी अभी, और महफूज अपने आप को रखने के वास्ते, इज्जत के साथ शहर में रहने के वास्ते, करता हूँ रोज जो वही अब भी किया है काम, गुंडा समझ के आपको मैंने किया सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।